नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे फिल्म शक्तिमान के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, 1997 से 2005 तक शक्तिमान टीवी पर प्रसारित होने वाला एक ऐसा धारावाहिक था जो सभी के द्वारा पसंद किया जाता था, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, महिलाएं हो, सभी के द्वारा ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता था और काफी अच्छा इसका कंटेंट था। और देसी सुपर हीरो की कहानी है शक्तिमान, जिसे जिसका रोल मुकेश खन्ना ने प्ले किया था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस करेक्टर को जिया था। तो दोस्तों इसके ऊपर एक फिल्म बनाने की घोषणा हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको अपने एक वीडियो में जानकारी दी थी। सोनी पिक्चर्स इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और ये ट्रायोलॉजी होगी, मतलब तीन पार्ट में इसको बनाया जाएगा। और पहली बार आप एक भारतीय देसी हीरो का एक जबरदस्त मतलब जो यूनिवर्स है वो देख पाएंगे। तो ये बहुत बड़े स्तर पर फिल्म बनाई जाने वाली है, बहुत बड़े बजट की ये फिल्म होगी, तीन पार्ट्स में बनाई जाएगी। तो इस फिल्म के बारे में मेकर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और मेकर्स ये चाहते हैं कि इस फिल्म को एक बहुत भव्य स्तर पर बनाया जाए। तो पहले इसके बारे में ये ऐसी खबरें आई थी कि इस फिल्म को ओम राउत डायरेक्ट करेंगे। ओम राउत जिन्होंने तानाजी द अनसंग वॉरियर जैसी सुपर हिट फिल्म बनाई है और बहुत ही अच्छी फिल्म थी वो, तो उसी के शायद उसी की परफॉर्मेंस को देख करके ओम राउत को ये मौका दिया जाने वाला था। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से ओम राउत ने फिल्म आदिपुरुष बनाई है, आपने भी टीजर देखा होगा आदिपुरुष का, जिस प्रकार से उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य को इतने बेकार तरीके से दिखाया है, इतने बचकाना तरीके से पेश किया है, ना केवल VFX एनिमेशन के बारे में बात करें कि कितने घटिया किस्म के वहां पर देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जिस प्रकार से भगवान श्री राम, माता जानकी और आप कह लीजिए कि बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का और लंकेश रावण का जो लुक बनाया गया है, दिखाया गया है, उससे शक्तिमान के जो मेकर्स हैं उनका मूड भी खराब हो गया और वे भी बहुत दुखी है, क्योंकि इससे मुकेश खन्ना जुड़े हुए है और आप जानते हैं कि मुकेश खन्ना एक बहुत ही राष्ट्रवादी और फरकर चिंतक माने जाते हैं, बुद्धिजीवी है, सनातनी है और भारतीय सभ्यता संस्कृति का काफी अच्छा ज्ञान वो रखते हैं। तो वे इस बात से काफी खफा है कि ओम राउत ने किस प्रकार से ये आदिपुरुष, जो कि उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था, एक बहुत अच्छी तरीके से वो रामायण को पेश कर सकते थे, तो किस प्रकार से उन्होंने मतलब खिलवाड़ किया है यहाँ पे। तो इससे नाराज होकर के अब खबर ये आ रही है कि ओम राउत को अब शक्तिमान डायरेक्ट करने का मौका देने के पक्ष में मुकेश खन्ना बिल्कुल भी नहीं है, सोनी पिक्चर्स बिल्कुल भी नहीं है, और इसके लिए एक नए डायरेक्टर की तलाश की जा रही है। लगता है कि बॉलीवुड से उनका भी मोह भंग हो चुका है, तो अब वे साउथ की तरफ देख रहे हैं। आपको याद होगा साउथ में एक फिल्म आई थी मीनाल मुरली, तो उसके जो डायरेक्टर थे जिसका नाम उसके जो डायरेक्टर है सॉरी जिसके जो डायरेक्टर है जिनका नाम है बासिल जोसफ, उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट करें। मीनाल मुरली एक बहुत ही जबरदस्त मूवी थी, बहुत ही शानदार मूवी थी और उसमें जिस प्रकार से VFX का यूज किया गया था, जिस प्रकार से कंटेंट था, जिस प्रकार से स्टोरी को बताया गया था, दर्शकों को काफी पसंद आया था। और दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मीनाल मुरली से बातचीत की जा रही है, मीनाल मुरली के जो डायरेक्टर है बासिल जोसफ, उनको ये मौका दिया जा सकता है कि वे शक्तिमान फिल्म को डायरेक्ट करे, और इससे इसके लिए उनसे लगातार बातचीत जारी है, उनका विजन पूछा जा रहा है। और चूंकि वे भी शक्तिमान के बहुत बड़े प्रशंसक है, उन्होंने भी शक्तिमान की काफी तारीफें की है, तो ये मौका उनको मिल सकता है। और ओम राउत की डेफिनेटली यहाँ से अब डायरेक्टर के तौर पर छुट्टी होने वाली है और इस डिसीजन को मैं अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि आदिपुरुष का टीजर देखने के बाद मुझे भी नहीं लगता कि ओम राउत शक्तिमान जैसी फ्रेंचाइजी के साथ न्याय कर पाएंगे। दोस्तों जहां तक कि इसकी स्टारकास्ट के बारे में जो बात है, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर संभावना ही है कि ज्यादातर जो कास्टिंग की जाएगी वो साउथ से ही की जाएगी, कुछ कास्टिंग जरूर यहाँ से बॉलीवुड से की जाएगी, लेकिन ज्यादा कास्टिंग यहाँ से नहीं होने वाली है। मुकेश खन्ना पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी खान स्टार्स को इस फिल्म में मौका नहीं मिलने वाला है। जहां तक रणवीर सिंह के बारे में खबर जरूर आई थी कि वे शीर्षक रोल प्ले कर सकते हैं, शक्तिमान का टाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये बात फाइनल स्टेज में नहीं पहुंची है। उनसे बात जरूर की गई है, उनका रिएक्शन क्या रहा है, क्या उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली है, ऐसी अभी कोई भी खबर नहीं आई है। तो दोस्तों जैसे ही इस फिल्म के बारे में और कुछ अपडेट्स आते हैं मैं आपको तुरंत अपने चैनल पर जानकारी दूंगा। फिलहाल इतना ही, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।